कर्नाटक में एक ठेकेदार, उसके बेटे, एक व्यायामशाला प्रशिक्षक और एक वास्तुकार सहित कई लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी सोमवार तक जारी रही। इसके बाद सब्सिडीटी ने बयान दिया है और बताया है कि विभाग को कर्नाटक और कुछ और भी जगहों पर सरकारी ठेकेदारों के साथ कुछ और लोगों के खिलाफ छापेमारी के बाद 94 करोड़ रुपए नकद, 8 करोड़ रुपए के आभूषण और 30 महंगी घड़ियां जब्त की गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि बयान के मुताबिक ये छापेमारी 12 अक्टूबर से जारी थी और इसी के तहत 55 ठिकानों पर रेड की गई। बेंगलुरु के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में भी कुछ ठिकानों पर आयकर की छापेमारी की गई। इसमें 94 करोड़ रुपए कैश के अलावा सोने और हीरे की 8 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। इसके अलावा विदेशी ब्रांड्स की 30 घड़ियां भी जब्त हुई है। बेहिसाब नकदी के बरामदगी के बाद से कर्नाटक के सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच इस मामले पर जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कतील ने कहा है कि ये पैसा कांग्रेस से जुड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस आरोप को निराधार बताया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने बेंगलुरु में ईडी के छापे पर करोड़ों रुपए जब्त किए जाने पर अपना बयान दिया है। दरअसल जगदीश शेट्टार ने कहा है कि सबूत क्या है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के लिए 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य है, वो एक जिम्मेदार पद पर है, कुछ आधिकारिक जानकारी हो सकती है, इसलिए कृपया इसका खुलासा करें, वो सारी जानकारी संबंधित विभाग को दें।